हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले देख के खत्म की हिंदी ट्रेलर वाली माई की, जो 3 पॉइंट कुछ सेकंड्स की निकल के आई है। सबसे पहले मैं ट्रेलर की बात में करूंगा, क्या काम क्या यार, मतलब अजीत, हमारे थाला अजीत सर ने जो पावर हाउस का काम किया बेहतरीन लेवल की। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो मैं पॉइंट इसकी बात करूंगी इस ट्रेलर की, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को इस ट्रेलर के जो आप लोगों को लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे। जो भी आपको इस हिंदी ट्रेलर से खराब या जो भी आपको अच्छी बातें लगी उसे ट्रेलर पर जरूर बताइएगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ ट्रेलर की। तो भाई ट्रेलर फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी हिंदी डबिंग ना बेहतरीन हुई है, मतलब ना एक टाइम पे ऐसा लगता है कि अजीत सर की वॉइस, मतलब जो एग्रेशन के साथ में जो डबिंग स्टाइल पे किया गया है, संकेत माथे ने इसकी जो वॉइस ओवर की है काफी बेहतरीन की है। कहीं भी एक मिनट जो है ना कहीं भी ड्रॉप नहीं होती है, ट्रेलर एकदम टॉप नॉच लग रही है ये ट्रेलर। ऐसे नहीं है कि जो खिलाड़ी मूवी आई थी उसकी जो ट्रेलर है वो कहीं ना कहीं मतलब फीकी है, इसके मुकाबले में वो फिक्की है। ऐसी नहीं कि मैं वो जो उस फिल्म की जो ट्रेलर की वो वॉइस ओवर हुई है उसे मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, मगर इससे जो उसकी जो पॉइंट है ना 19-20 का नहीं, मतलब कि ना 18-20 का अंतर है, ये काफ़ी अच्छी निकल के आई है। अब बात करते हैं ट्रेलर की। तो आप लोगों को पता होगा थाला भाई, हमारे जो थाला सर हैं वो नजर आएंगे IPS ऑफिसर के रूप में इस मूवी पे, जो चेन्नई पे अंडर द जेल कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्राइम के बारे में, जो चेन्नई को मतलब एक मतलब की गढ़ बन चुकी है क्रिमिनल के मतलब केसेस के बारे में। यहीं पर निकल के आते हैं अजीत सर, जो एक IPS ऑफिसर के होते हुए वहां पर उसे पॉइंट किया जाता है एज अ मीनियर ऑफिसर, जहां पर वो मतलब कि सारे इश्यूज को ट्रेस करते हैं कहां से क्या हो रहा है, ऑपरेट कैसे हो रही है। इसी पे जो मूवी है ना बचते बचाते और पुलिस का खेल होने वाला है, वो काफी बेहतरीन लेवल पे की गई है। और जो मास सिनेमा एक्शन के लवर है वो काफी बेहतरीन काफी अच्छी एंजॉय करेंगे, ऐसा लग रहा है। 24 फरवरी का तो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म को मैं फर्स्ट डे देखने जा रहा हूँ। मतलब हिंदी ट्रेलर काफी अच्छी मुझे लगी है, वॉइस ओवर और जो सीन शूट किए गए हैं काफी अच्छे हैं, जैसे कुछ बाइक्स के जो हवा में सीन थे 4-5 के वो काफी अच्छे शूट किए गए हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो बाइक निकलते हैं और अचानक से जो कैमरा शूट जो डायरेक्शन उसे अचानक से चेंज किया गया, जो काफी अच्छा ट्रिकी है, छोटी छोटी बातें और वो काफी अच्छी लगती है फिल्म पे, इसी को नोटिस किया जाता है बात पे, जो भी बॉलीवुड कहा मतलब कि नकार रही है इन चीजों के। तो फिल्म के अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो काफी अच्छी लगी मुझे। और एक बात मैं और कह जाऊंगा जो ट्रेलर से जो मुझे नहीं लगी अच्छी, इस फिल्म के ट्रेलर को जो काटा गया कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि पूरी फिल्म को वो ट्रेलर पे ही बता दिया, कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब कि पॉइंट अगर हो सके फिल्म पे नजर आएगी जरूर, पर मुझे लगता है ना कि कुछ ज्यादा ही फिल्म को मतलब कि ट्रेलर को बताने के चक्कर में, एक्शंस को रिवील करने के चक्कर में, थोड़ी स्टोरी मतलब कि बताने के चक्कर में प्रिटिबल होने लग रही है ये फिल्म। मैं कहूंगा ट्रेलर को थोड़ा सा और कंप्रेस करके, थोड़ा सा सीन्स को और कट करके, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके फिल्म को अच्छा सा इस ट्रेलर को बनाया जा सकता था। इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो ट्रेलर है ना पूरी कहानी को अपनी बयां कर दे रही है। तो अब देखते हैं जो फिल्म निकल के आएगी वो तो हमें 24 फरवरी को देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को इस मूवी को क्या लग रहा है, मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, और आप लोगों को जो भी लगता होगा इस ट्रेलर से और इस मूवी की रिकॉर्डिंग आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लगता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।